हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सजेस्ट्री पॉइंट। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम करेंगे, देखिए जो हमने कल चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 20, और जो हमारी क्लास 7th की सीरीज़ है वो चल रही है, तो उसका कल एक पार्ट ही बन पाया था और ये उसका सेकंड पार्ट है। ये 20 चैप्टर ही है जो कल आधा हुआ था, अब उससे मैं आगे करवा रही हूँ। और ये 20 चैप्टर है भक्ति और सूफी आंदोलन वाला ही है, उसका पार्ट 2 है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। तो देखिए, यहाँ भक्तजन विट्ठल की पूजा करते थे। विट्ठल को किसका रूप माना जाता है? तो विट्ठल को जो है वो विष्णु का रूप माना जाता है। नेक्स्ट, समर्थ गुरु स्वामी रामदास के मुख से किसका जाप चलता रहता था? तो उनका राम नाम का जाप चलता रहता था उनके मुख से। इनका शरीर अत्यंत बलवान कैसे था? जो स्वामी रामदास थे वो प्रतिदिन 1200 सूरज नमस्कार करते थे और इसलिए उनका शरीर बलवान था। यह महाराष्ट्र के संत थे। नेक्स्ट, स्वामी रामदास का कौन सा ग्रंथ है? तो जो स्वामी रामदास है उनका ग्रंथ है दासबोध, जो एक गुरु शिष्य के संवाद के रूप में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, स्वामी जी अद्वैत वेदांती और भक्ति मार्गी संत थे। ये किसके उपासक थे? तो ये हनुमान जी के उपासक थे। इन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितने अखाड़े स्थापित करे? तो इन्होंने 1100 मठ व अखाड़े स्थापित किए। ये छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। तो ये भी पूछ सकता है कि छत्रपति शिवाजी के जो गुरु थे वो कौन थे? तो स्वामी रामदास। नेक्स्ट, चोखा मेला किस जाति के जो चोखा मेला थे वो किस जाति के थे? तो चोखा मेला महर जाति के थे। विट्ठल दर्शनों के लिए प्राय पंडपुर जाते रहते थे। उन दिनों पंडपुर में संत नामदेव का बड़ा प्रभाव था। वे विट्ठल के मंदिर में भजन गाया करते थे। नामदेव के अभंग यानी भजन, अभंग का मतलब होता है भजन, सुनकर चोखा मेला इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपना गुरु मानने लगे। चोखा मेला ने पूरे परिवार जो है ने किस दीक्षा ली? तो संत नामदेव से दीक्षा ली। उनके अभंगों की संख्या 300 बताई जाती है। उनकी पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी थी, उनका नाम सोयरा बाई था। ये सोयरा बाई जो थी के एक जो अभंग का अर्थ है, हे प्रभु तेरे दर्शन करने से मेरे हृदय की सब वासनाएँ नष्ट हो गई हैं। भारत के वंशित वर्ग का पहला कवि कौन है? तो भारत के वंशित वर्ग का पहला कवि है चोखा मेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में पहले संत कौन थे जिन्होंने भक्ति काव्य के दौर में सामाजिक गैर बराबरी को समाज के सामने रखा? तो ये चोखा मेला थे। नेक्स्ट, राजस्थान में भक्ति धारा, अब राजस्थान की भक्ति धारा के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे दादू दयाल। तो निर्गुण उपासना के समर्थक संत दादू दयाल भारी साधना से हटकर व्यक्तिगत साधना पर जोर देते थे। दादू पहले कहाँ व फिर कहाँ आकर रहने लगे? तो दादू पहले सांभर व फिर आमेर में रहने लगे। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो जयपुर के पास नारायणा गाँव में इनकी मृत्यु हुई। दादूपंथी जो है गुरु को अधिक महत्व देते थे। इनकी शिक्षाएँ किससे संग्रहित हैं? तो दादू दयाल रिवाणी और दादू दयाल रा दुहा। अब देखिए मीराबाई, भक्त शिरोमणि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 16वीं सदी में मेड़ता में हुआ। इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी जो थे रतन सिंह मेड़ता के शासक जो दूदा जी के चौथे पुत्र थे। मीराबाई अपने पिता की इकलौती बेटी थी। इनका विवाह किससे हुआ? तो इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से हुआ। तो पिछली बार भी जो रीट 2018 थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि इनका विवाह किससे हुआ, इनके पति कौन थे। तो देखिए, इनके पति थे वो थे भोजराज, इनका विवाह भोजराज से हुआ। तो इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि मीराबाई है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आता है, तो इसे अच्छे से आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट, विवाह के 7 साल बाद ही इनके पति का देहांत हो गया और शीघ्र ही इनके ससुर राणा सांगा और पिता का देहांत हो गया। वृंदावन और द्वारिका में इन्होंने काफ़ी समय भजन कीर्तन और साधु संगति में बिताया। मीरा वृंदावन से द्वारिका गई। इन्होंने संसार का त्याग कैसे किया? तो द्वारिका में श्री कृष्ण की भक्ति में रणछोड़ जी की मूर्ति के आगे नृत्य करते हुए मीराबाई ने संसार का त्याग कर दिया। मीराबाई के कितने पद हैं? तो लगभग 250 पद हैं जो उन्हें अमर भक्त कवयित्री बना देते हैं। नेक्स्ट, रामचरण जी एवं रामसनेही संप्रदाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामसनेही संप्रदाय, इसमें से हर बार किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछा जाता ही रहा है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। तो देखिए, इस संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इस संप्रदाय की जो स्थापना है वो रामचरण जी ने करी। राम स्नेही संप्रदाय की, राम स्नेही संप्रदाय के अनेक राजस्थान में स्थापित हुए, उनके नाम लिख। तो देखिए, इस संप्रदाय के केंद्र हैं जो हमारे जो राजस्थान में स्थित हैं वो 4 हैं। देखिए, शाहपुरा जो है वो भीलवाड़ा में स्थित है। इसमें संत रामचरण जी
रैण जो नागौर में है, संत दरियाव जी, सिंगथल यानी बीकानेर में हरिदास जी, खेड़ापा जोधपुर में संत रामदास जी आदि, ये देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संप्रदाय में राम की उपासना पर बल दिया गया है। राम से उनका तात्पर्य निर्गुण निराकार ब्रह्म से है। सूफीवादी, तो देखिए सूफी कौन होते थे, तो सूफी जो थे वे कहलाए जो सफ़ यानी सफ़ेद ऊन का कपड़ा पहनते थे। नेक्स्ट प्रमुख सूफी संत हुए हैं, तो देखिए कौन कौन से हुए हैं, हजरत निजामुद्दीन जो है चिश्ती, शेख बाबा फरीद, शेख निरुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन औलिया, बहाउद्दीन जकारिया, अमीर खुसरो या और देखिए गैसुद्दराज। नेक्स्ट चिश्ती सिलसिले का जो प्रमुख संत है वो कौन कौन माने जाते हैं, तो देखिए अमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया प्रमुख माने जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, अब उनके बारे में देखिए, यह पृथ्वीराज जो चौहान तृतीय थे उनके समय भारत आए। 1192 ईस्वी में ये भारत आए, कब आए भारत, ये आए थे ये भारत कब आए, 1192 ईस्वी में भारत आए। नेक्स्ट भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने करी, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही इसकी शुरुआत करी। अजमेर में इनकी दरगाह किस नाम से जानी जाती है, तो अजमेर शरीफ के नाम से जानी जाती है। इनके चाहने वाले इन्हें किन नामों से याद करते हैं, तो ख्वाजा साहब या गरीब नवाज के नामों से याद करते हैं। नेक्स्ट इनके एक शिष्य कौन थे जिन्होंने नागौर के पास सुवल गांव में अपना केंद्र बनाकर इस्लाम का प्रचार किया, तो वो थे शेख हमीउद्दीन नागौरी, हजरत निजामुद्दीन औलिया। अब देखिए इनके शिष्य थे अमीर खुसरो। दिल्ली में स्थित दरगाह परिसर में हजरत जो निजामुद्दीन औलिया हैं उनकी मज़ार के पास ही अमीर खुसरो की भी मज़ार है। भारत में सूफी संप्रदाय के चार संप्रदायों का महत्व है, तो कौन कौन से हैं, कादरी, चिश्ती, सुहारवर्दी, नक्शबंदी, ये भी याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अब जो ये भक्ति और सूफी आंदोलन वाला चैप्टर था वो अपना 20 चैप्टर अब समाप्त हो चुका है। अब इसकी हम शब्दावली देख लेते हैं। निर्गुण यानी निराकार, एकेश्वरवाद यानी केवल एक ईश्वर में विश्वास करना, सगुण यानी सकार, सिलसिला यानी पंथ या मत। नेक्स्ट अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें देख लेते हैं। इसके आंसर्स मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको पूरा चैप्टर पढ़ा चुकी हूं, तो आपको अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसके आंसर्स अपने आप आपको आ ही जाएंगे। तो प्लीज़ आप इनके जो आंसर्स हैं इनको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो देखिए ननकाना साहिब किस संत के का जन्म स्थान है, कबीर, नानक, दादू दयाल, रामानंद। चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहाँ से था, बंगाल, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र, ये कुछ मिलान करना है, सम्मिलित करो। कबीर जो हैं वो मीराबाई, गुरु नानक और चैतन्य महाप्रभु, ये किससे संबंधित हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप अच्छे से देख लेना, इससे क्या है चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये भी पता चलेगा कि हमें ये चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया है। भक्ति में किस पर अधिक जोर दिया जाता था, महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के नाम बताइए। भक्ति आंदोलन के संतों के उपदेश की भाषा कैसी थी, मीराबाई का संक्षेप में परिचय दीजिए। तो फ्रेंड्स ये जो था ये चैप्टर था आज का, अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ये आपका ही चैनल है ना कि मेरा। तो फ्रेंड्स चलिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। ओके थैंक यू। नेक्स्ट जो चैप्टर 21 बचा है इसमें अभी इतिहास का, वो चैप्टर है वो कल आएगा, और वो 21 चैप्टर होगा लोक संस्कृति वाला, वो लास्ट चैप्टर है। तो चलिए फ्रेंड्स ओके थैंक यू।